नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग BPSC ट्री 3 TGT म्यूजिक पेपर का 30 प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। और ये 30 प्रश्न जो है आपके एक मार्क टेस्ट होंगे, इसमें कितना सही कर रहे हैं जो लोग देख चुके हैं आंसर की या फिर मिला रहे हैं, और जो लोग ट्री 4 के लिए तैयारी कर ले उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक दो प्रश्न जो है उसमें आपको मिलेंगे जो आपको भी बताने पड़ेंगे, और सारे प्रश्न तो क्लियर हैं, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें हैं जिसमें अभी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो वो अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग 30 MCQ देखते हैं, जैसा कि अभ्यास प्रश्न के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी अभ्यास प्रश्न गए हैं उन सारे वीडियो को देख लीजिए जो आपके TGT PGT म्यूजिक में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। देखिए, नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है, ठीक है। नाद में न अक्षर से तात्पर्य है आपके BPSC TGT म्यूजिक ट्री 3 में आया था ये प्रश्न, और सभी प्रश्न आए हैं जितना भी मैं कराता हूँ। तो न अक्षर से तात्पर्य क्या है? प्राणवायु, अग्निवायु, ओंकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन जो लोग देखे होंगे आसानी से बता सकते हैं, नाद जो होता है दो शब्दों से बनता है, नकार और दकार, ठीक है। नकार का मतलब होता है प्राणवायु और दकार का मतलब होता है अग्नि, ठीक है। तो इस तरह से न का मतलब हो जाएगा प्राणवायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं? ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है, 2, 3, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सा, म और प की 4-4 श्रुतियाँ होती है, तो मध्यम के भी 4 श्रुति होगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों की संख्या 5 बताई है? सारंगदेव, अहोबल, वेंकटमुखी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सारंगदेव ने 12 विकृत स्वर, 7 शुद्ध, और अहोबल ने 22 विकृत बताए हैं, वेंकटमुखी ने 5 विकृत स्वर बताए हैं, ठीक है। विकृत और शुद्ध स्वरों का जो है वीडियो मैंने डाल रखी है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो वेंकटमुखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर बताए हैं। सभी ने 7 शुद्ध स्वर माने हैं, विकृत स्वर किसी ने 7, किसी ने 12, किसी ने 22, किसी ने 5, इस तरह से बताए हैं। तो यहाँ पे वेंकटमुखी सही हो जाएंगे। मंद्र सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान है? कंठ स्थान, हृदय स्थान, उदर स्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंद्र सप्तक के लिए हृदय स्थान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भरत मुनि ने साणा चतुष्टयी में वीणाओं में कितने कितने तार बांधे थे? 7-7, 12-12, 22-22, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इन्होंने साणा चतुष्टयी में जो है 7-7 तार बांधे थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अति स्वर किसे कहते हैं? ये स्वर जो है सहायक नाद, उप स्वर, स्वयंभू स्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अभी मुझे क्लियर नहीं हो पाया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है, अगर कन्फर्म होंगे तो। चलिए, आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीतज्ञ ने की? आचार्य बृहस्पति, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका भातखंडे जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इष्ट और अनिष्ट किसके भेद है? हारमोनी के, मेलोडी के, स्वर संवाद के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर संवाद, ठीक है। इष्ट और अनिष्ट स्वर संवाद के अंतर्गत आते हैं। सड़ज और पंचम स्वर के बीच श्रुति अंतर है? 9 नंबर क्वेश्चन, 9 श्रुति, 11 श्रुति, 13 श्रुति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पे षड्ज और पंचम में 13 श्रुति का अंतर होता है। ठीक है, स्वर मा और गा का अनुपात होगा। ठीक है, 9/8, 16/15, 10/9 उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग आंदोलन संख्या जानते हैं, ग का 300 और म का 320। ठीक है, तो म और ग के अनुपात पूछ रहा है, यानी कि म बाई ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 320/300, यानी 16/15। ठीक है, ये 16/15 हो जाएगा आपका सही आंसर बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी टोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कोमल रे गाधानी स्वरों से युक्त थाट है, असावरी भैरवी तोड़ी उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा थाट हो जाएगा जिसमें रेगा धा कोमल हो जाएगा, रेगा धानी, वो हो जाएगा भैरवी। चलिए आगे चलते हैं, राग रागिनी वर्गीकरण के किस मत में 6 राग और 36 रागिनियाँ मानी जाती है, शिव मत, कलीना, सोमेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राग रागिनी वर्गीकरण में 6 राग और 36 राग शिव ने भी माना है, कलीनाथ ने, सोमेश्वर, शिव और सोमेश्वर या कृष्ण और कलीनाथ, ये सभी लोगों ने माना है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ दिया है कृष्ण मत में कितनी राग रागिनियाँ मानी गई है, 5 राग 36 रागिनियाँ, 6 राग 30 रागिनियाँ, 6 राग 36 रागिनियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृष्ण और कलीनाथ, शिव और सोमेश्वर, तो कृष्ण के मत के अनुसार 6 राग और 36 रागिनियाँ हैं, मैंने कई बार बताया है। यहाँ पे देखिए, रागांग से क्या आशय है, मुख्य राग, किशोर संगति, समकक्ष रागों की छाया, रागों के भेद, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो रागांग राग जो है इसमें स्वर संगति भी दिखाता है, समकक्ष रागों की छाया भी आती है, और उसे राग के भेद तो नहीं कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये दो हो सकता है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगी। जन्य जनक थाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है, राग रागनी वर्गीकरण, रागांग वर्गीकरण, मेल राग वर्गीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जनक थाट जन्य राग जो है मेल राग वर्गीकरण को माना जाता है। यहाँ दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम राग का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका बी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, बृहदेशी में मिलता है। निबद्ध गान के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है, प्रबंध, वस्तु, रूपक, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है निबद्ध गान के अंतर्गत जो है आपका ये तीनों आ जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अनिबद्ध गान के किस अलाप प्रकार में अविर्भाव और तीरो भाव दिखाया जाता है, रागालाप, अलाप्ति गान, रूपकालाप्ति गान, तो उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अविर्भाव तीरो भाव का जो समावेश होता है अलाप्ति गान में दिखाया जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के कितने अंग हैं, 2, 4, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन आप लोग जानते हैं, प्रबंध के 6 अंग होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, जाकर देख लीजिए। संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम किस से संबंधित है, गायक से, कलावंत से, भाग्यकार, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये उत्तम और मध्यम और अधम जो है मुख्य रूप से भाग्यकार के लिए होता है, वैसे गायक और कलावंत और भाग्यकार ये एक दूसरे के पूरक जैसे हैं, तो कन्फर्मली तो इसमें भाग्यकार है, लेकिन इसमें एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका भाग्यकार कन्फर्म है। रागालाप किसके अंतर्गत आता है, निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, प्रबंध गान, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे रागालाप जो है ये आ जाएगा अनिबद्ध गान। ठीक है, अनिबद्ध गान के अंतर्गत अलाप जो है अनिबद्ध गान में आता है,
ग्वालियर घराने के कलाकार हैं, उस्ताद निसार हुसैन खां, पंडित कृष्ण राव शंकर, पंडित राजा भैया पूंछ वाले उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ये दोनों लोग ग्वालियर के हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये जो है सहसवान घराने से हैं, ठीक है, जयपुर सहसवान घराने से उस्ताद निसार खां, ठीक है। तो ये दोनों लोग ग्वालियर से हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। गायन के ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है? उर्दू, अरबी, फारसी, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ख्याल फारसी शब्द है, कई बार बताया हूँ, जिसका मतलब होता है कल्पना या विचार करना। ध्रुपद शैली के गायक थे स्वामी हरिदास, मियाँ तानसेन, वैजी, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी ध्रुपद गाते थे, ठीक है। स्वामी हरिदास जी भी, तानसेन भी, बैजू बाबरा भी गाते थे। पूरब अंग की ठुमरी है पंजाब और जयपुर, ठीक है। लखनऊ और बनारस की ठुमरी, सिंध और पंजाब की ठुमरी, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठुमरी दो अंगों से गाई जाती है, पूरब और पंजाब अंग। पूरब अंग में लखनऊ और बनारस, पंजाब अंग में पंजाब के क्षेत्र आ जाते हैं। निम्न में से गायन की शैली नहीं है, गत, टप्पा, परन, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है गत मसीदखानी गत सितार पे बजाया जाता है, परन तबले पे, यहाँ पे टप्पा जो है ये हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, गायन शैली नहीं है, तो दो नहीं है, ठीक है, यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वैदिक कालीन संगीत में निम्न में से किस गेय का प्रचलन था? साम गान, गाथा गान, गंधर्व लौकिक, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैदिक कालीन में साम गान का ज़्यादा प्रचलन था, वैसे गाथा और गंधर्व गान भी उसी के लमसम थे, लेकिन साम गान का ज़्यादा चर्चा होता है। निम्न में से वैदिक स्वर है कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो तीनों स्वर हैं ये वैदिक स्वर ही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वैदिक कालीन वीणाओं में प्रमुख है, इसको थोड़ा देखना है। बाण वीणा, पिछौला वीणा, कपि शीर्ष वीणा, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक कालीन में जो वीणा होते थे, महती वीणा थे, कच्छपी वीणा थे, ठीक है, महती वीणा, कच्छपी वीणा, इस तरह से किन्नरी वीणा, इसमें से जो है आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा वीणा था। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग क्लियर करके बताइएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक है या कोई है इसमें, या फिर कोई नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है वैदिक कालीन तूण नामक वाद्य किस वाद्य श्रेणी में आता है? तूणव था, ठीक है। तत्, घन, सुशीर, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका जो है तूण जो है वाद्य सुशीर वाद्य में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने 30 MCQ देखे जो आपके BPSC म्यूजिक TGT 3 में आए हुए थे। इसके बाद फिर 30 प्रश्न देखेंगे, फिर 20 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद PGT में जो प्रश्न आए थे उसको देखेंगे, फिर 3-4 की तैयारी करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे MCQ हैं जो आप लोगों को कराया जाएगा, उसके साथ ही आपका थ्योरी भी होगा। चलिए, कितना सही है और इसमें कौन कौन से जो प्रश्न हैं उसका सही ऑप्शन होगा, 1-2 मैंने बताया है उसमें कौन सही होगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई गलत बता दिए हैं तो उसको भी कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।